हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और चटपटी स्टोरीज। तो दोस्तों देखना ये रहेगा आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। भारत में उद्यमियों और छोटे व्यापारियों को प्रेरित करने के प्रयास के तहत फेसबुक के अधिग्रहण वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने स्टार्टअप इंडिया व्हाट्सएप ग्रैंड चैलेंज की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में ये भी कहा कि इसके तहत कंपनी शीर्ष 5 स्टार्टअप्स को कुल $250,000 देगी, यानी कि लगभग 1,70,00,000 रुपए। व्हाट्सएप ने कहा, व्यापक स्तर पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव छोड़ने वाले और प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम आइडिया और बिजनेस मॉडल्स इसके लिए 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के दुनिया भर में 1.3 अरब यूजर हैं, भारत में 20 करोड़ यूजर हैं। व्हाट्सएप 1 साल से अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन के लगभग 1 साल होने पर ऐप को अब प्रति महीने 50,00,000 लोग उपयोग करते हैं। भारत में 84% लघु और मध्यम व्यापार मानते हैं कि व्हाट्सएप की मदद से वे ग्राहकों से बेहतर संवाद करते हैं और 80% SMBG मानते हैं कि व्हाट्सएप की मदद से उनका व्यापार प्रगति कर रहा है।